रामपुर से समाजवादी पार्टी ने मुहिबुल्ला नदवी को उम्मीदवार बनाया है। मुहिबुल्ला नदवी दिल्ली में संसद मार्ग मस्जिद के इमाम हैं और रामपुर के ही रहने वाले हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर जाने के लिए एक चार्टर प्लेन भी बुक किया है। हालांकि आजम खान और उनके समर्थक चुनाव बहिष्कार के ऐलान से पीछे नहीं हटे हैं। खबर यह भी है कि आजम खान के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा खरीदा है। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, आज अगर बात की जाए मुहिबुल्ला नदवी की, तो इनका प्रोफाइल क्या है और अचानक से समाजवादी पार्टी अगर इनको रामपुर से उतार रही है तो इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? ठीक है विशाल, आपके पास हम आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम है नदवी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपुर पहुंचे हैं नरेश उत्तम। और आजम खान ने इससे पहले कहा था कि अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और आजम के करीबी आसिम राजा ने भी पर्चा खरीदा है। तो क्या आजम खान बगावत के मूड में आ चुके हैं पूरी तरह? उनके करीबी ने जिस तरह से पर्चा खरीदा है, इससे यह माना जाए कि समाजवादी पार्टी को हराने की ओर काम करेंगे आजम खान। पहले भी कभी बगावत कर चुके हैं, एक बार पार्टी छोड़ करके जा चुके हैं और उस दौरान समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। बीच बीच में उनकी ओर से यह भी कहा जाता रहा है, उनके समर्थकों की ओर से, कि समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान की पैरवी के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए, उन्हें मझधार में अकेला छोड़ दिया और चुनाव के बायकॉट की बात कही थी समाजवादी पार्टी के। अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आजम खान के समर्थक चुनाव बहिष्कार करेंगे, ये खबर आई थी। और इन सबके बीच समाजवादी पार्टी ने मुहिबुल्ला नदवी को टिकट दिया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी, पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया हुआ है और साफ कहा है कि अगर अखिलेश यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो चुनाव के बहिष्कार का। और इस वक्त की बड़ी खबर, ये हम आपको वो दिखा रहे हैं नामांकन का जो पर्चा होता है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव हम तस्वीर दिखा रहे हैं। मुहिबुल्ला नदवी ने जो पर्चा भरा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी ने टिकट भरा है, नामांकन भरा है, उनको टिकट समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया और उनके नामांकन पत्र की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट दिया है समाजवादी पार्टी की ओर से रामपुर में। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, कंफर्म हो गया मुहिबुल्ला नदवी ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप सबकी नजर आजम खान क्या करेंगे? देखिए बिल्कुल, सपा की तरफ से रामपुर से मौलाना नदवी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और सिंबल जो है उनको दे दिया गया है। नरेश उत्तम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो रामपुर पहुंचे थे और सिंबल जो है उन्होंने मौलाना नदवी को दे दिया है। और अब आजम खान के कदम पर सबकी निगाहें रहेंगी। आजम खान के करीबी, हालांकि आसिम रजा ने जरूर जो है नामांकन पत्र खरीद लिया है, लेकिन 3 बजे तक का समय है कि 3 बजे तक जो है क्या कुछ जो है डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब आजम खान के अगले कदम पर सभी की निगाहें बनी हैं, क्योंकि रामपुर एक ऐसी सीट है जहाँ पर आजम खान का होता था, लेकिन अब बीते कुछ सालों में देखा जाए तो आजम खान और उनके परिवार का दबदबा वहां पे खत्म होता गया और धीरे धीरे वहां पर बीजेपी ने अपना वर्चस्व बनाया। ऐसे में अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि आजम खान के अगले स्टेप पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि आजम खान के जो करीबी हैं वो काफी नाराज थे, उन्होंने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। अब एक करीबी आजम खान के जो आसिम रजा हैं उन्होंने पर्चा भी खरीद दिया, तो क्या वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर लेकर जो है फिलहाल चर्चा जो है वो बनेगी। जी विशाल, अगर आजम खान की बात की जाए तो पहले भी समाजवादी पार्टी में कोई दूसरा मुस्लिम नेतृत्व ना पनपने पाए, ये वो सुनिश्चित करते रहे थे। और अब इस बार उन्होंने जिस तरह से अखिलेश यादव को रामपुर से लड़ाने की बात कही थी, ये भी उनका एक यही सोचा समझा कदम था कि अगर अखिलेश यादव यहां से लड़ते हैं तो रामपुर का उनका गढ़ जो है बचा रहेगा, और अगर कोई मुस्लिम दूसरा नेता रामपुर से आता है तो यह आजम खान के वर्चस्व को चुनौती होगी। देखिए बिल्कुल, यही वजह है कि आजम खान ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरी जो मुस्लिम लीडरशिप है वो सपा में जो है लीड करे, क्योंकि आजम खान एक बड़ा चेहरा रहे। और आपको याद होगा जब 2012 में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को जब मुख्यमंत्री बना रहे थे तो सबसे पहले नाराज आजम खान हुए थे, तब उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने आजम खान को मनाया था काफ़ी लंबे समय तक, और यहाँ तक कि एक जो बड़ा कद था उनका समाजवादी पार्टी में, उस कद के आगे तमाम और नेता जो थे वो मुस्लिम नेता वो डाउन होते थे, और इसीलिए रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव चाह रहे थे कि आजम खान की चुनाव लड़ें। लेकिन अब फिलहाल ये तय हो गया है कि वहां से मौलाना नदवी चुनाव लड़ेंगे और आजम खान का क्या कुछ रुख रहेगा यह देखना होगा। ठीक है, इस बड़ी खबर पर आपसे हम और भी जानकारी लेंगे। विशाल, आप बने रहें।